नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। देश भर में इस समय युवा अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं। उन्हें शायद ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये योजना उनके साथ भेदभावपूर्ण है। और वहीं अग्निपथ को लेकर के आज विपक्ष ने भारत बंद कॉल किया है। इस समय की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली नोएडा गुरुग्राम में घंटों से जाम लगा हुआ है और रेलवे स्टेशनों और स्टेट बॉर्डर में पुलिस भी अपना काम कर रही है। फिर भी जो खास बात है वो ये है कि ये कोई पहली स्कीम नहीं है जिसके जरिए मोदी सरकार ने सेना को डिजाइन किया हो। अग्निपथ समेत कई और बदलाव भी हैं जिनके जरिए सरकार ने सेना में कई बदलाव करने की कोशिश की है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए सेना ने सेना को और आधुनिक बनाने के लिए सरकार क्या क्या बदलाव कर चुकी है और आगे उसकी क्या प्लानिंग है, किस तरीके से आने वाले दिनों में वो सेना को डिजाइन करना चाहती है। मोदी सरकार के दौरान 5 मेजर जो हैं बदलाव हुए हैं सेना में। इन बदलाव में भी बहुत सारे बवाल हुए, बहुत सारे सवाल हुए, ये भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। आप पूरी वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ किस तरीके से सेना ने जब बदलाव किए तो क्या क्या चीज़ें पहले भी शोर शराबे में अपनी जगह बनाती हैं। वन रैंक वन पेंशन, आर्मी के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी बड़ी एक पुरानी ये मांग थी। 7 नवंबर 2015 को वन रैंक वन पेंशन का नोटिफिकेशन जारी होता है। ये अलग अलग समय पर रिटायर हुए एक रैंक के फौजियों की पेंशन के को एक समान करने के लिए लिया गया था। फिर उसके बाद CDS की नियुक्ति होती है। 24 दिसंबर 2019 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS पोस्ट क्रिएट किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दूसरे देशों की भी इसमें नज़र थी कि भारत में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं सेना में। तीनों सेना के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री का चीफ CDS बनाया गया था उस समय। और तीसरा जो मेजर बदलाव था वो था 9 अगस्त 2020 को सैन्य सामानों में 10% से ज़्यादा प्रोडक्ट विदेश से खरीदने पर रोक लगाई गई। यानी कि जो प्रोडक्ट सेना यूज़ करती है उनको देश में ही बनाया जाए, सेना को आत्मनिर्भर किया जाए, यानी कि पूरा भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए मुहिम चली रही है। तो सेना में भी कुछ चीज़ों में बदलाव हुआ था। चौथा बदलाव था जो 15 अगस्त 2022 को पहला इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड शुरू होने की संभावना है, ये इस साल किया जाएगा। नए थिएटर कमांड बनाने की तैयारी में है दरअसल सरकार। और सरकार तीनों सेनाओं को एक छत के नीचे एक प्लेटफॉर्म पर ला करके बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए थिएटर कमांड बना रही है। जैसा कि आप जानते हैं अलग अलग कमांड है हर स्टेट में और इनको एक ही प्लेटफॉर्म पे ला करके सरकार एक ही छत के नीचे ला करके इनको खड़ा करना चाह रही है ताकि इनमें कोऑर्डिनेशन जो है वो पहले से बेहतर हो। अब मैं आती हूँ कि ये केवल अग्निपथ पे ही इस समय शोर शराबा नहीं हो रहा है। सवाल तब भी उठे थे जब वन रैंक वन पेंशन को लागू किया गया था। 7 नवंबर 2015 को मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन यानी कि ORUP नोटिफाई कर दिया था और ORUP से बहुत सारे सैनिकों को लाभ मिला था। मैं आपको बता दूं कि सैनिकों के पेंशन पे सरकार सालाना 7,123 करोड़ खर्च करती है। अब आप देखिए कि
मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं सारी चीज़ें आपसे डिटेल में बताऊंगी। तो वन रैंक वन पेंशन जब इम्पोज की गई थी तो उस समय भी सवाल उठे थे। पूर्व सैनिकों ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन की सरकार ने वन रैंक मल्टीपल पेंशन बना दिया है, मतलब ये कि एक रैंक से रिटायर लोगों को सैलरी अब भी अलग है। हर 5 साल पे ORP पेंशन को रिवाइज करके रीफिक्स करने पर भी पूर्व सैनिकों ने सवाल उठाया। ORP के बाद रक्षा बजट करीब करीब 28% उसका हिस्सा जो है पेंशन में ख़त्म होने को लेकर के सवाल खड़े हुए थे। और CDS की जब नियुक्ति हुई थी तब भी बहुत सारे सवाल सरकार के सामने थे। 15 अगस्त 2019 को PM नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं और सरकार के बीच तालमेल बिठाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्रिएट की थी, उसकी घोषणा की थी, और 3 महीने बाद ही 24 दिसंबर 2019 को CDS पोस्ट बना दी गई। 2001 में उप प्रधानमंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने CDS की जरूरत भी बताई थी। अब जब ये पोस्ट क्रिएट की गई तो इस पे भी कुछ सवाल उठे थे। इस पे सबसे पहला तो सवाल यही था कि फौजियों की तरफ से ये सवाल किया गया था कि इस पद के क्या मायने हैं, ये अब तक सही से क्लियर नहीं हो पाया। ये वरिष्ठ जो सैन्य एक्सपर्ट थे उनका ये कहना था। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि CDS पद इतना ज़रूरी है तो 6 महीने से ये खाली क्यों है, और CDS को छोड़ कई और भी महत्वपूर्ण सरकारी विभाग नहीं है जहाँ हेड नहीं है और फिर भी उनका काम काज चल रहा है। यानी कि कुल मिला के फौज से ही ये सवाल उठे थे कि ये CDS का जो पोस्ट है ये क्यों क्रिएट किया गया। इसके अलावा रक्षा सचिव का पद होते हुए भी CDS पद बनाए जाने की ज़रूरत पे भी एक सवाल खड़ा हुआ था। और सरकार ने 2022-23 के बजट में ये कहा है कि लगभग 21,149 करोड़ सिर्फ विदेशी स्वदेशी हथियारों और सैन्य साजो सामान पर खर्च किया जाएगा। तो ये एक तरह से स्वदेशी का एक मोड लाने की बात थी। उस समय ये सब बातें सामने आई थी। इसके बाद तब के CDS जनरल विपिन रावत ने ये कहा था कि अगला युद्ध स्वदेशी हथियार और उपकरणों से लड़ा और जीता जाएगा। और उनके इस बयान के बाद बहुत सारे सवाल उठने लगे थे। BBC की एक रिपोर्ट के अगर मैं बात करूं तो एक्सपर्ट कमांडर उदय भास्कर ये कहते हैं कि भारत इस समय 60-70% आयुध यानी जंग का जो सामान है वो विदेशों से खरीदता है। भले ही DRDO अपने 52 लेबोरेटरीज में सेंसर हथियार और मिसाइल तैयार करता है लेकिन इसके कलपुर्जे विदेशों से ही आते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट मनोज जोशी ये कहते हैं कि 1990 से प्रयास करने के बाद भी भारत ढंग का अपना ड्रोन तैयार नहीं कर पाया है, ये भी सवाल उठा था। और ब्रह्मोस मिसाइल के 65% लाइट कम्बोट एयरक्राफ्ट के 40% जो है उसके पुर्जे विदेश से आयात होते हैं। अब मैं आती हूँ अग्निपथ पे। अग्निपथ पे इस समय बहुत शोर शराबा हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज पूरा विपक्ष जो है उसने भारत बंद का आह्वान किया है, लेकिन सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि इससे हम पीछे नहीं हटेंगे और इसे हम इम्पोज करके ही रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि अग्निपथ तीनों सेनाओं में शॉर्ट टर्म यूथ रिक्रूटमेंट के लिए एक नई स्कीम है। इसमें भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। पहले भी इस पर मैं बात कर चुकी हूँ। इसमें पहले साल 40,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी, जिसमें से 4 साल बाद 25% की परमानेंट भर्ती होगी, बाकी 75% को लगभग 12 लाख समझ लीजिए आप, 12 लाख दे करके रिटायर कर दिया जाएगा। और अब इस पे जो सवाल है वो ये है कि
अग्निपथ के आने से सबसे बड़ा सवाल जॉब सिक्योरिटी को लेकर के है। ये समस्या सरकार की समस्या नहीं है, ये मिलिट्री की समस्या है। युवाओं का विरोध इस बात पर है कि 4 साल की नौकरी के बाद फिर वो क्या करेंगे, ये सवाल उठ रहा है इस पे। वहीं अग्निवीरों के बिल्ले बैच और जो उनके कहना चाहिए चिन्ह होते हैं, रैंक होते हैं, अलग होने से सेना में भेदभाव बढ़ने जैसी बात जो है गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इस पे भी सवाल उठ रहे हैं। एक और बहुत बड़ा चेंज होने वाला है जिस पे मैंने अभी बात की, इस पे भी बहुत सारे सवाल हैं कि एक नया थिएटर कमांड बनने वाला है। बीते सालों में मिलिट्री की रीऑर्गेनाइजेशन के कई फैसले लिए गए, इनमें सबसे बड़े मिलिट्री रिफॉर्म के तौर पे थिएटर कमांड्स को भी देखा गया। एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोई चेंज करते हैं तो उस पर पूरा रिसर्च होता है, और ये तो आर्मी में कुछ रीडिजाइनिंग होनी है, तो इसके लिए इसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस पर सालों से काम कर रहे थे, तब जा कर के ये महसूस किया गया कि नए थिएटर कमांड जो है ये होने बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन इन पर भी काफ़ी सारे सवाल हो रहे हैं। अभी तक सेनाओं की अलग अलग कमांड है, कुल 17 सिग्नल सर्विस कमांड है, और एयरफोर्स और थल सेना की साथ साथ और नेवी की 31 कमांड है। थिएटर यूं कहूं मैं कि थिएटराइजेशन के बाद 3 सेनाओं की संयुक्त कमांड होगी और 1 कमांड के अंदर 3 सेनाएं होंगी। अब एयरफोर्स जो है उसने ही सवाल कर दिया है, उसने ये कहा है कि वायुसेना ने अपनी सीमित हवाई संपत्ति को अलग अलग थिएटर कमांडों के बीच बांटने का क्या दुख है। डिफेंस एक्सपर्ट मनोज जोशी और जनरल सतीश दुआ थिएटराइजेशन के आइडिया को आधुनिक और ज़रूरी मानते हैं। उनका ये कहना है कि पहले साधारण जोन में एक थिएटर कमांड बना करके 5 साल उसके कामकाज का अनुभव देखना चाहिए, ये उसमें उन्होंने सुझाव भी दिया है। और जो सबसे बड़े बदलाव हुए हैं पिछले 7 सालों में, वो समझ लीजिए कि काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश भारतीय सेना के 2 टुकड़े हो गए थे और शिप एयरक्राफ्ट समेत तमाम हथियार भारत पाकिस्तान के बीच बांट दिए गए, और 15 जनवरी 1949 में भारतीय सेना की कमान फ्रांसिस बूचर से फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के हाथ में आ गई थी। इस तरीके से धीरे 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 अब तक हमारी सेना जो है काफ़ी बदलावों से गुजर चुकी है, और बदलाव जो है चलते रहना चाहिए, क्योंकि बदलाव में काफ़ी कुछ नया होता है और वो एक कहना चाहिए कि पॉजिटिविटी का फील ज़रूर देती है। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं, ये जो सेना में बदलाव हो रहे हैं इन पे आपकी क्या राय है, खासतौर पे जो अग्निवीर हैं जिनको लेकर के आज भारत बंद है, क्या ये भारत बंद होना चाहिए, क्या इन युवाओं को, इन भटके हुए युवाओं को समझाना नहीं चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप अपने देश के संपत्ति को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। और ये जो योजना है सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इस योजना को कतई सरकार पीछे नहीं हटने वाली है, इसको इम्पोज किया जाएगा, बल्कि सरकार ने यहाँ तक कह दिया है कि जो यूथ जरा जरा सी बातों पे अपना टेंपर लूज करता है वो आर्मी में जाने की सोच भी कैसे सकता है। तमाम बातें हैं, मैं फिर आपके सामने हाजिर होती हूँ। फिलहाल इतना ही, और एक बात जाते जाते ज़रूर कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आई तो इसे आप लाइक ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो पे अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत।